अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट ताहिर। आप लोगों के बीच में थोड़ा लेट आने की वजह क्या है कि मैं जब ये जजमेंट आया मुझे आप हिजाब केस का 15 मार्च को, उसके बाद मैं थोड़े शॉक में था और मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों में बिज़ी था और सुप्रीम कोर्ट के केस की तैयारी भी कर रहा था। मगर मैंने देखा कि जो हालात हो रहे हैं और लोग कुछ जजमेंट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और एक जो मीडिया है गोदी मीडिया खासतौर पर वो बोल रहा है कि भाई इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जजमेंट को, और इसको आप किस बेसिस में कर रहे हैं। ये 3 बेंच की जजमेंट है जिसमें एक मुस्लिम जज भी थी और उन्होंने सारे चीज़ों को सोच के समझ के क्या किया है कि एक ऑर्डर पास किया है, और ये ऑर्डर काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि इसने सारे चीज़ों को डिस्कस किया। आपने जो आर्गूमेंट बोले थे ये ठीक है, तो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि इस जजमेंट में क्या लीगली इनकरेक्ट है और क्यों इस जजमेंट को हमें क्रिटिसाइज़ करना, और कुछ क्यों मुझे लगता है कि ये जजमेंट एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो आपको जैसा कि मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जो एक बहुत फेमस केस सबरीमाला केस है, जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन के नाम पर है वो केस, एक सबरीमाला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें स्पेसिफिकली 7 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। उन 7 क्वेश्चनों में जो 4 सबसे बड़े, टोटल 8 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, उनमें जो दो स्ट्राइकिंग क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए, उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एक बताया गया है कि व्हाट इज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू विद रिगार्ड टू रिलीजियस प्रैक्टिस एज रेफर्ड इन आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल पावर कितने एक्सटेंट तक और उसका क्या स्कोप है ये डिसाइड करने के लिए कि आर्टिकल 25 जो रिलीजियस राइट है वो डिसाइड करने के लिए कितने हद तक जुडिशियल पावर इस्तेमाल हो सकती है। और ये दूसरा क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 25 का क्या स्कोप और एम्बिट है राइट ऑफ रिलीजन का आर्टिकल 25 में। तो ये दो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ हमने सबरीमाला केस सुना, इसके अलावा भी और जो 3 केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिमिलर लाइन में हैं, उन केसेस को भी पेंडिंग इस सबरीमाला के साथ मर्ज कर दिया है, और उसमें भी एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का क्वेश्चन उठे हैं। उनमें से एक मुस्लिम औरतों का मस्जिद में प्रवेश के लिए एक है, वो एक केस है। दूसरा सर्कमसेशन का जो इशू बोरी मुस्लिम औरतों के बीच में, वो उसके बारे में वो केस है। तीसरा क्या है, जो चौथा जो लास्ट जजमेंट है पारसी वुमेंस का, जो मैरिज उनके जब किसी भी इंटरकास्ट मैरिज इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू पारसी कल्चर दे आर बार फ्रॉम पारसी रिलीजन। तो ये 4 केसेस में ये पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में एक डिस्प्यूट है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट में इन सारे केसेस को मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में ये वैलिड क्वेश्चंस पेंडिंग है। जब ऐसी हालत में जब कोई वैलिड क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में लार्जन 7 जज बेंच के पास पेंडिंग है, तो कोई दूसरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही या इंडिया का कोई दूसरा कोर्ट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में कोई ओपिनियन दे सकता है नहीं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लीगल जुडिशियल डिसिप्लिन बोलता है कि कोई भी कोर्ट उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। तो जो इनको जो यहाँ पर हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया, जो पहला क्वेश्चन फ्रेम किया था, वेदर वेयरिंग हिजाब हेडस्कार्फ इज ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So, जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ना ही वो लोग दे सकते हैं और ना ही इस तरह के क्वेश्चन को वो लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पूरी तरह से उम्मीद है ये जजमेंट है ये पूरे तरीके से इसको स्टॉप हो जाए, ये पहला चीज है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इनको ये मालूम नहीं था, ये चीज इनको आर्गूमेंट के दौरान सबरीमाला का जजमेंट पेंडिंग है रिव्यू में, ये भी उनको मालूम है।
और उन ये मैंने स्पेसिफिकली मेमो के जरिए ये सबरीमाला का जो रिव्यू पिटिशन में जो जो पॉइंट्स हैं वो भी मैंने मेमो के जरिए कोर्ट में भी दिया था, मगर उसका कहीं भी रेफरेंस नहीं आया। और ये जो केस था एक मामूली यूनिफॉर्म का डिस्प्यूट था जिसमें हमने स्पेसिफिक एक वैलिड जो प्रेयर पूछी थी जो मेन पिटिशनर्स के उनका वैलिड प्रेयर क्या थी कि ऑलरेडी पीयू बोर्ड की गाइडलाइंस है जिस गाइडलाइंस में यूनिफॉर्म नहीं है बोल के बोला गया है और जो लोग यूनिफॉर्म इम्पोज करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना बोल के बताया गया। फिर भी ये जो कॉलेज जो पीयू गवर्नमेंट कॉलेज है वो इल्लीगली हम पर यूनिफॉर्म इम्पोज कर रहा है, फिर भी हमें यूनिफॉर्म से कोई परेशानी नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमें एक रीजनेबल एक्सेप्शन देना है जिसमें कि हमें अकोमोडेट करना है और जो स्कूल का जो दुपट्टा है उसको हमें हेड स्कार्फ की तरह यूज़ करने देना है। ये एक स्पेशल प्रेयर थी, मगर इस केस को डिफरेंट लेवल पर ले जाकर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए जिस क्वेश्चंस को जो ना ही ज़रूरत थी जिसकी और उसका ना ही अगर फ्रेम होने का उसको आंसर देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो लीगल जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है, जब कि एक सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बेंच के सामने एक सिमिलर केस ये क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो उस अकाउंट में जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो ये डिस्कशन के टाइम में वो किस हद तक चले गए हैं और उन्होंने क्या किया है कि जैसे आपको मालूम है कि आर्गुमेंट के दौरान कुरान की कुछ हदीसें पेश की गई और अब इन्होंने क्या किया जो जजेस ने उन्होंने पेज नंबर 62 में जाएंगे तो पेज नंबर 62 में स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रेम किया पार्ट नंबर 9 डाल के सेल नंबर 9 डाल के रोमन जिसमें लिखा गया एज टू हिजाब बीइंग ए कुरानिक इंजंक्शन, यानी कि इस चैप्टर में इन्होंने हिजाब कुरान का इंजंक्शन है यानी कुरान का एक हुक्म है यानी उसके ऊपर डिस्कशन किया। तो इन्होंने जो भी हम लोगों ने आयतें पेश की थी उन आयतों के अलावा भी एक दो और आयतें पेश करी, तो इनमें जो खास तौर पे जो आयतें पेश की गई थी सूरह नूर की आयत नंबर 31 और जो दूसरी थी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। तो इन दोनों आयतों में ये कुरान की डायरेक्ट आयत है और क्यों ये ज़रूरत पड़ी कुरान की आयतों को देखने के लिए इस केस में खास समझने की बात है। आपको मालूम है ट्रिपल तलाक का केस हुआ था, ट्रिपल तलाक के केस को जब कंसिडर करने के बाद कुछ लोगों का एक आर्गूमेंट था कि जो ट्रिपल तलाक का जो है वो हदीस से साबित है और कई जो मुदस्सरीन ने इसके बारे में लिखा है मगर जस्टिस रोहंगडिन ने उसको डिस्कस करते वक्त स्पेसिफिकली क्या बोला कि जो चीज़ कुरान से साबित है सिर्फ जिसमें कुरान का के अंदर जिसका हुक्म है जो कुरान के अंदर पाई जाती है वही इस्लाम की एक प्राइमरी सोर्स है और वही इस्लाम में एक एसेंशियल प्रैक्टिस है और जो चीज़ कुरान में नहीं है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ये बकायदा जस्टिस रोहंगटन ने सायरा बानो के जजमेंट जो कि ट्रिपल तलाक से फेमस जजमेंट उसमें लिखा गया था। अब चूंकि कोर्ट को जिम्मेदारी थी कि इसको उन्होंने बाईपास करना क्योंकि एक सेटल प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट को करना तो प्रेसिडेंट को आपने करना तो उससे एक बेटर आर्गूमेंट आपने जजमेंट में पेश करना। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या था कि अगर ये चीज़ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना कुरान से साबित हो तभी ये क्या है इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, नहीं है तो नहीं है बोल के। तो हमने आर्गूमेंट के दौरान जैसे मैंने बताया दो स्पेसिफिक सूरत हमने कुरान की बताया जिसमें डायरेक्ट हुक्म है कि ये औरतों को तुम्हें हिजाब पहनो अपने बॉडी को कवर करो अपने छातियों को कवर करो बोल के। अब ये आपको मालूम है कुरान की जो आयत है अल्लाह का हुक्म है अल्लाह की वही है जो कि सूरह के नाजिल हुई है। अब देखिए जजेस ने इस वही को कुरान के इंजंक्शन को अल्लाह के हुक्म को कैसे डील किया है जो कि एक बहुत ही अफसोस करने वाली बात है। आप अगर पेज नंबर 65 पढ़ेंगे पेज नंबर 65 में उन्होंने क्या किया है एक फुटनोट जैसा कि जजमेंट में भी बताया गया है कि ये यूसुफ अली का जो ट्रांसलेशन है उसको ऑथेंटिक माना गया उसी को हमने कंसीडर किया है। तो आपको ही मालूम है जब भी कोई पब्लिशर बुक लिखता है वो ट्रांसलेशन के साथ साथ अपनी एक कमेंट्री भी लिखता है एक एक्सप्लेनेशन लिखता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। कमेंट्री का मतलब क्या होता है कि उसका एक ओपिनियन उस बात के ऊपर। हमने कुरान ये यूसुफ अली के ट्रांसलेशन इसलिए लिया गया क्योंकि जजेस को और आम लोगों को अरबी मालूम नहीं है इसके लिए क्या किया उसका ट्रांसलेशन को हमने रखा। तो जजेस को क्या है अपना कन्फाइन किस में रहना चाहिए था ट्रांसलेशन में कन्फाइन हो जाता रहना चाहिए था। वो एक स्टेप आगे निकले और जो उसके ट्रांसलेशन में जो फुटनोट थे स्पेसिफिकली जो आयत को कुरान का आयत जो कि सूरह नूर की आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो कि स्पेसिफिक आयत तो उन्होंने एक फुटनोट 3767
बुक का 3 जो आयत नंबर 59 के बारे में लिखा गया। और ये आयत नंबर 59 क्या है, वो स्पेसिफिक आयत क्या बताती है कि भाई ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, खिताब करते हुए बोल रहे हैं कि अपनी बीवियों और बच्चियों को और बिलीविंग औरतों को आप बताओ, आप जब भी बाहर निकलो तो अपने जिस्म को एक आउटर गारमेंट से कवर कर लो जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो, ताकि तुम लोग मोलेस्ट ना हो। और अगर कोई ऐसा गलती से वो नहीं कवर करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देता है और वो बहुत मर्सीफुल है। ये आयत नंबर 59 में है। उसी का एक्सप्लेनेशन एक फुटनोट में लिखा है, 3767। उस फुटनोट में लिखा हुआ है कि दिस रूल इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि जो औरतें जो बाहर निकलती हैं उनको बाहर गारमेंट जो आउटर गारमेंट पहनने का हुक्म जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो कभी गलती से भूल गए, कोई गलती हो गई, तो अल्लाह उसको माफ करने वाला है। किसका है ये कमेंट? ये जिस पब्लिशर ने बुक लिखी है, उस जो राइटर बुक का, उसका ये कमेंट है। जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है कि तुम्हें पहनो करो, अगर तुमसे गलती से कुछ हो जाए तो अल्लाह माफ करने वाला है बोल के ये है। और वहीं पर अगर हम लोग आयत नंबर 31 जो कि स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर है, उसमें बकायदा लिखा गया है कि से टू बिलीव वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर मोडेस्टी एंड दे शुड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेप्ट विद देयर मोस्ट ऑर्डिनरी अपीयरेंस देयर ऑफ एंड दे शुड ड्रॉ देयर वेल ओवर देयर बॉसम एंड नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड देयर फादर, फिर उनके बाद जो दूसरे जो लोग उनके महरम है उनके बारे में डिक्लेयर। तो ये आयत जो है मेरे हिसाब से डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म है, जहां पर अल्लाह ताला डायरेक्ट औरतों को हुक्म दे रहा है, मुसलमान औरतों को, जिसमें सारी बिलीविंग वुमेन है कि तुम्हें अपने जिस्म को ढकना है और कैसे ढकना है, किस हालात में ढकना है और किन से ढकना है बोल के पूरा डायरेक्ट। इसके बारे में कोई उन्होंने कब नहीं है, मगर उन्होंने जो एक फुटनोट सूरह अहज़ाब की 59 आयत है, उस फुटनोट को लेके अल्लाह के हुक्म को उन्होंने एक गोया के ऐसे पेश किया कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है ये, और ये औरतों को मैंडेटरी नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है इस जजमेंट्स को हम सिर्फ आम मुसलमान ने, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं वो लोग इस जजमेंट को कंडेम करना, क्योंकि इस जजमेंट में अल्लाह के हुक्म को डायरेक्ट किस तरीके किससे कंपेयर किया गया है, एक फुटनोट से कंपेयर किया है। और आप सभी जानते हैं जो कुरान की आयतें हैं उस हुक्म की क्या वैल्यू है, ये एक हुई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है और जो सरप्राइज करने वाली बात है, आप अगर पेज नंबर 59-53 में देखेंगे, उसमें 7 चैप्टर उन्होंने जो बनाया है, एज टू प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द टेस्ट ऑफ इट असर्टेनमेंट, यानी कि कौन सा क्या प्रोटेक्शन के, कौन से रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्शन करने के लिए उसका किस तरीके से टेस्ट होना चाहिए बोल के ये चैप्टर बताता है पेज नंबर 53 में। अगर आप देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 53 में डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट है। ये कोट कौन सा कोट है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब डिबेट होता है उसमें इस कोट को ये बोला गया था। उस कोट में उन्होंने क्या बोला है कि जब ये सवाल उठा कि भाई ये हम किस हद तक कौन सी प्रैक्टिस को आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उसमें इस डिस्कशन में डिबेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, ये बात समझने के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन चीफ आर्किटेक्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर डिस्प्यूट था उनको फाइन ट्यून करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने उन चीजों को बहुत ही क्लैरिटी से रखा, ताकि वो तभी चीजें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुई और जगह पा सके। देखिए इसमें उन्होंने क्या लिखा कोर्ट में, द रिलीजियस कंसेप्शन इन दिस कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। There is nothing extraordinary in saying that we ought to strive hereafter to limit the definition of religion in such a manner that we shall not extend it beyond beliefs and such rituals as may be connected with ceremonial which are essentially religious। यानी कि उन्होंने क्या बोलने का है कि हम किसी भी religious belief को हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे कंट्री में जो रिलीजन का एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को रिलीजन कवर करता है, और वो पैदा होने से लेके मौत तक हमें उसको कवर करता है। और हम इसको नहीं बोल सकते कि भाई इस चीज को रिलीजन एसेंशियल है या इस चीज को एसेंशियल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट असेंबली में के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में बोला गया था। तो जजेस ने इस बात को कोट तो किया पर इस बात के ऊपर रिलाई नहीं किया। वो किस बात के ऊपर रिलाई किया, पेज नंबर 123 में लास्ट पैरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक है, बुक के बारे में, उस बुक वो बुक का नाम क्या है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो बुक लिखी गई थी 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट कब हुआ था, 1948-49 में हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ये 1945 में बुक लिखी गई, उस बुक में चैप्टर 10 में पार्ट 1 में सोशल स्टैग्नेशन बोल के एक चैप्टर था। तो उसमें क्या लिखा गया कि जो मुस्लिम औरतें हैं
वो हमेशा क्या करते हैं, अपने बाप ने जो फैमिली घर के जो मेल मेंबर होते हैं वो लोग उनको देखते हैं और हमेशा वो लोग बुरके में रहते हैं। बुरके में रहने की वजह से उन लोगों को अंदर बहुत सारी बुराइयां मतलब तो बहुत समाज में पीछे रह जाती हैं और वो लोग ओपन आके मिल नहीं पाती और ये सारी प्रॉब्लम जो है ये हमारे बुरके की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था 1945 का उस टाइम की एक सोशल प्रैक्टिस के बारे में जिसमें मुस्लिम औरतों को पर्दे के नाम पर पीछे रखा जाता था, उस बारे में बुक में ही ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्शन को छोड़ के उन्होंने क्या लिया उस पॉइंट को जहां पे हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है, क्या लिखा है, पेज नंबर 24 में लिखा है, व्हाट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड मोर देन हाफ ए सेंचुरी अगो दैट द पर्दा प्रैक्टिस इक्वली अप्लाइज टू वेयरिंग ऑफ हिजाब। जबकि उस बुक में कहीं ना हिजाब के बारे में डिस्कशन भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पूरे तौर पे बुरके का जो कवर बुरका पूरा बॉडी को करता है उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। और यहां पर जो एक केस था ये मुस्लिम लड़कियों की एक मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने का केस था जहां पर वो सिर्फ एक एक्सेप्शन पूछ रहे थे कि भाई एज ए वुमेन एज ए गर्ल इट इज माई राइट टू नो इट इज माई राइट टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी फॉर माई डिग्निटी फॉर माई चेस्टिटी फॉर माई मॉरेलिटी। उस बात के ऊपर ये डिस्कशन था मगर कोर्ट ने क्या किया, पूरी चीजों को अलग एंगल में लेकर गए, डिफरेंट तरीके से पेश किया और एक ऐसा इलीगल ऑर्डर, मैं इलीगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्ट इसमें डिसाइड ही नहीं कर सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस का डिसाइड नहीं हो सकता। और जो एक इशू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इशू था उसको स्ट्रेच करके उसको एक्सपेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पैरामीटर में लेकर आ गए जहां की उन्होंने ऐसा एक इलीगल ऑर्डर पास किया। और मैं उम्मीद करता हूं ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं होगा और बहुत जल्दी स्टे हो जाएगा और इस ऑर्डर को हर एक हिंदुस्तानी इस ऑर्डर को कंडेम करना है और कंडेम डेमोक्रेटिक वैल्यू में कंडेम करना है और हमें किसी भी तरीके से जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं उसको क्रॉस नहीं करना है और किसी भी तरीके से ऐसे कंटेम्प्ट नहीं करना है कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे पर ना आ जाए। मगर हाँ एज ए ऑर्डर ये ऑर्डर एक इलीगल ऑर्डर है, परवर्स ऑर्डर है जिसको हम लोग चैलेंज करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और बहुत ही जल्द इसका ये स्टे भी होगा जिससे कि जितने भी कर्नाटका स्टेट के जितनी मुस्लिम बच्चियाँ हैं उन लोगों को इसमें राहत मिलेगी। जज़ाकअल्लाह।